क्या तरीका है जो इस बुड्ढे की राड़ी कट जाए। इस कमबख्त बुड्ढे का मैंने जब भी नाम लिया जब ही मेरे चोट लगी है। अब इस बुड्ढे की तो राड़ यहां से काटनी पड़ेगी। आई चोट लग गई, कोई बात ना, ठीक हो ही जाएगी। कल वाली वीडियो देखती हूँ। तनु, तनु। हाँ क्या है तनु, तनु क्यों लगा रखी है? तनु पापा को चाय दे दी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, खुद जो दे दो चाय बना के। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? बनाई ना जाती अपने बाप की चाय? मुझे गुस्सा मत दिलावे, तेरा भी और मेरा भी सीमा फायदा, समझ गई? और तुम्हें गुस्सा आ भी जाएगा तो क्या कर लोगे मेरा? तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तनु, लग गया पता मैं क्या कर सकता हूँ? ये दोबारा बताऊं, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा अपने उस बुड्ढे बाप की वजह से। मेरे पापा है वो, उन्हें कुछ भी कहने से पहले तुम ही सीख लेना। इसका जवाब दे के दिखाऊंगी, मेरा भी नाम तनु है। हाँ बेटी, लाख खवा दे, मेरा मन कर रहा। तनु का फोन। हाँ बेटी। माँ अब मुझे यहाँ किसी भी सूरत में नहीं रहना है। क्यों, क्या हो गया? चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दिनेश ने कुछ कह दिया उसके बाप ने? हाँ दिनेश ने, हर समय मुझे काम बताते रहते, कभी अपना कभी अपने बाप का। तू चिंता मत कर, मैं आ भाई दिनेश को तो मैं वहीं आके बताऊंगी, तूने बड़ी फिक्र करी। हाँ ठीक है माँ, आप जल्दी आ जाओ। माँ क्या हो गया, दीदी को जीजा ने कुछ कह दिया क्या? हाँ परेशान करके रखा है दोनों बाप बेटे ने। माँ कोई मेरी दीदी को परेशान करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। पता तो इन्हें अब लगेगी। अजी हाँ, मेरे होते तेरी दीदी कोई परेशान कर देगा? आज देख तेरे जीजा कैसे पहाड़े पर आती हूँ मैं। तो फिर देरी क्यों कर रही हो माँ, चलो अभी चलते हैं। अब लग जाएगी तुम्हें पता, अब आ रही है मेरी माँ। तुझे कितनी बार समझा दिया, आखिरी बार समझा रहा हूं। या तो अपनी हरकत सुधार ले, अन्य किस दिन तेरे हाथ पैर काट के झोलों में फेंक दूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ। दिखाओ ना हाथ लगा के, रुक क्यों गए, मारो मुझे। क्यों मार रहा है इसे? पापा थोड़ी देर के लिए आप अंदर जाकर बैठ जाओ। बेटा मैं अंदर बैठूंगी ना बैठूं, तू बहू को हाथ नहीं लगाएगा। राम राम बहन जी। ना राम राम। दिनेश मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा इधर चलो। जो बात होगी पापा के सामने होगी, यहीं कहो जो कहना। जीजा जी सुन क्यों नहीं लेते हो, माँ क्या कहना चाहती है? हम पागल हैं जो इतनी दूर से चलकर आए यहाँ पर। दिनेश कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के सामने नहीं होती, एकांत में चलो वहाँ बात करते हैं। दिनेश बेटा कोई बात नहीं सुन ले, हो सकता है कुछ बात ऐसी हो जो एकदम प्राइवेट हो, मेरे सामने ना कहना चाहती हो। ठीक है बेटा सुन ले।
ठीक है, मम्मी पापा तो गए, आपको जो बात करनी है बैठ कर कर लो। ठीक है, यहीं बैठ के बात कर लेते हैं। अब बताओ मम्मी क्या बात करनी है। देखो बेटा, ये तुम खूब जानते हो, आज निकल तुम्हारे पापा को तो मरना ही है। मम्मी, मुझे पता है मेरी बात सुन के तुम्हें चुभन पैदा होगी, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद जवाब देना। ठीक है मम्मी, बोलो आप जो कहना। देखो दिनेश, जिंदगी तुम दोनों को जीनी है, तुम दोनों खुश रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये बात तो है मम्मी। अगर तुम इसका कहना मानोगे तो ये तुम्हारा कहना मानेगी, अगर तुम इसका कहना नहीं मानोगे फिर देखना आगे क्या होगा। क्या होगा मम्मी? दिनेश, दोनों घर बर्बाद हैं, तुम्हारी जिंदगी इसके बिना बर्बाद है, इसकी जिंदगी तुम्हारे बिना बर्बाद है। बात तो आपकी ठीक है मम्मी, लेकिन मम्मी मैं पापा को नहीं छोड़ सकता। मम्मी चलो अभी, मुझे यहाँ नहीं रहना तो नहीं रहना, ये घर मेरे लायक वैसे भी है ही नहीं। मम्मी बात तो ठीक बता रही है, पापा को एक ना एक दिन तो भगवान के यहाँ जाना ही है। क्या सोच रहे हो दिनेश, मैं समझाने बार बार नहीं आऊंगी, खुशहाली और बर्बादी अब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है दिनेश, अब मैं चलती हूँ। माँ मैं भी चलूंगी, मैं यहाँ रह के क्या करूंगी। नहीं तनु, तो अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। आज से जो तू कहेगी वही करूंगा, तू घर छोड़ कर मत। सोच लो फिर, कभी मम्मी के जाने के बाद फिर बदल जाओ। तनु मैं समझ चुका हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी अपने पापा के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, खुश रहो, भगवान तुम्हें सही सलामत रखे। दीदी अब तो खुश हो ना? बाय। दूधो नहाओ, पूतो फलो, खुश रहो। तनु, सुबह की गलती के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना था। कोई बात नहीं, आप मुझे खुश रखो, मैं आपको खुश रखूंगी। दिनेश, लगा दी ना उस बुड्ढे ने आवाज, हमें एक मिनट खड़े क्या देख ले, तुरंत आवाज लगाने लगता है। मैं बात करता हूँ। दिनेश तुम अंदर आराम करो, मैं करता हूँ आवाज इनसे बात। अब आएगा मजा। दिनेश, ओ बेटा दिनेश, क्या बात है, कैसे घर सर बैठा रखा है, थोड़ी बहुत देर चैन से बैठ जाया करो, शांति है मन में थोड़ी बहुत ना। बेटा ये तुझे अचानक क्या हो गया? मुझे जो हो रहा होने दो, तुम्हें दोनों टाइम टाइम से रोटी मिल रही है ना, चुपचाप बैठ कर खा लिया करो, खानी हो तो। ठीक कह रहा है बेटा तू। और हाँ, तनु से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, हर बात पर तनु 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 तनु। तेरी गलती नहीं है बेटा, कब किसकी तकदीर पलट जाए कुछ नहीं पता होता। बेटा मैं आज के बाद कोशिश करूंगा तनु से कम बोलने की। कम बोलने की कोशिश नहीं, तुम उससे बात नहीं करोगे, आगे समझ में, बार बार ना समझाना हूं। ठीक है बेटा, बुढ़ापा है ना बेटा, होता है ऐसे। हो गई बुड्ढी की अकल ठीक? हाँ कर दी, समझा दिया, आज के बाद तुझे कभी आवाज नहीं लगाएगा। हाँ ये कोई बात है उसकी, हर वक्त तन्नु तन्नु तन्नु। अरे तू टेंशन मत ले, आज जैसे समझा दिया ना, मुझे नहीं लगता कैसे तेरा नाम लेगा। अब तुम एक काम करो, बाजार चले जाओ, मेरी एक लिपस्टिक और एक क्रीम और एक फेस पाउडर लेते आना। और हाँ एक काम और, मेरा आज कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, वहाँ से आते वक्त एक बर्गर और एक चाउमीन जरूर लेते आना। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लाऊंगा और अपने लिए बियर भी लाऊंगा, और साथ बैठ के पियेंगे। अब तुम जल्दी से जाओ, जो भी लेके आना जल्दी ले आओ, बात बाद में करेंगे। ओके माय स्वीट हार्ट, ये गया और यूं आया। चलो ये तो ठीक हुआ, मेरी मम्मी ने इनके कान बुड्ढे के खिलाफ भड़का दिए।
ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति 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 शांति। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बहू अभी तक खाना लेके नहीं आई, हो सकता भूल गई, मैं खुद ही रसोई में जाकर देख लेता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम। आज तो इस बुड्ढे को धक्का मारना ही पड़ेगा, जो यो फिर दोबारा रोटी मांगने आए ना। हाँ क्या है, क्यों खड़े हो मेरी खोपड़ी पैसे आके, जुबान कट गई क्या बोलने के लिए, और रसोई में ऐसे क्या देख रहे हो, इसमें ना है कुछ भी। बहू बेटे ने मना कर दिया था बोलने के लिए, इसलिए आके चुप खड़ा हो गया। भूख लग रही है बेटी, दे दे दे। अच्छा रोटी दे दूं। ना बेटा अब ना चाहिए बेटा रोटी। बेटा भर गया मेरा पेट, गलती हो गई, अब नहीं आने का बेटी, अब नहीं आने का। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अब जाते क्यों ना हो। तुम भी पापा दिन रात तनु को परेशान करते रहते हो, जब देखो रसोई में आके खड़े हो जाते हो। अगर इतनी भूख है तो किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ ना, कोई ना कोई तो दे ही देगा पेट भरने को। तेरी गलती नहीं है बेटे, ये जो बुढ़ापा होता है ना बेटा, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है बेटा। भगवान भगवान तुम दोनों को खुश रखे। चलो आज इस बुड्ढे की भी राड़ कटी। अब तू एक काम कर, मुझे भूख लग रही है, रोटी दे। हाँ आप जाके बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। जय हो भोलेनाथ की। जय शिव शंकर। चाचा तुम और इस हालत में। बेटा समय बलवान होता है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता बेटा, कुछ नहीं पता होता। चाचा वैसे तो मैंने गांव में सुन ली थी आपके साथ क्या बीत रही है, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्या हुआ चाचा। चाचा रो मत चाचा, मैं समझ गया, आप खड़े हो और मेरे घर चलो। नहीं बेटा
मैं भी देखना चाहता हूँ समय इंसान के साथ क्या क्या करता। मैं भी देखना चाहता हूँ बेटा, तू जा। ना चाचा, तुम मेरे घर चलो। आप मेरे पिता समान और आपके बहुत एहसान है मेरे पर। आप खड़े हो और मेरे घर चलो। बेटा, तू एक छोटे से एहसान को नहीं भूल पाया। और बेटा, वो कैसी संतान होती है जो माँ बाप को धक्के दे के घर से बाहर कर देती है। चाचा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, खड़े हो। ना चाचा। बेटा मेरी बात सुन। चाचा, आपके बहुत एहसान है मेरे पर। खड़े हो चाचा। बेटा, मैं घर पे जाके तेरे ऊपर बोझ भर। चाचा नहीं, घर चलो। चल बेटा, नहीं मानता तू। और भी कवर कहाँ चल दिया? बहुत बढ़िया। तू सुना कहाँ है आजकल? बस वही गाँव में रहता हूँ। अरे मैं तो गाड़ी करने जा रहा, पापा ने हरिद्वार ले जाऊँ। तू भी अपने पापा ने हरिद्वार भेज दे। अरे ना यार, वो तो वृंदावन घूमने गए। अरे कहाँ गए वृंदावन घूमने? अब तू भेज दे क्या गैल। यार मैं पूछना बोल रहा, वृंदावन घूमने गए नहीं, मैं कोई मना करता यार? कैसी बात कर रहा तू, हरिद्वार तो अच्छी जगह। क्या हो गया? कौन सा हाँ सुना तो, और क्या करूँ। तेरे पिताजी ने तुझे यही संस्कार दिखाया? जिस पिताजी ने तुझे इतना बड़ा करा, तुझे खाना खिलाना सिखाया और रात के 12-12 बजे तक तेरे साथ बैठ कर तुझे पढ़ाता था, आज तुझसे गिर गया। पूरे काम में तेरी फूतू हो रही है। क्यों दिनेश ने अपने पिताजी के साथ बहुत बुरा किया? अरे तुझे तो डूब मरना चाहिए। तेरे पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान थे, इस गांव में उनके जैसा इंसान नहीं है। नाम था उनका, और आज तू तैने उनको धक्के दिए। तेरे जैसा गलत इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन यार, लेकिन पेकिन कुछ नहीं होता। अरे दिनेश, वो मर्द नहीं होता जो औरत के कहने पर अपने बाप को घर से निकाल दे धक्के मारकर। शर्म आनी चाहिए तुझे। आखिर तू कहना क्या चाहता है दिनेश? कल ने तू भी बाप बनेगा, तेरे भी औलाद होंगी। तेरी औलाद तुझे धक्का मार के घर से बाहर निकालेंगी, तेरे दिल पे क्या बीतेगी? नहीं यार, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी भाभी के बकाए में आ गया था। कहाँ है मेरे पापा? दिनेश, तेरे पिताजी मेरे घर हैं, मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता। वो मंदिर पे बैठे हुए थे, मैं उन्हें अपने घर ले गया। मेरे भाई घर चल, मुझे अपने पापा से मिलना है। मिलकर उनसे माफी मांगनी। मेरे भाई, मुझे जल्दी उनसे मिलवा दे। चल भाई, तुझे अकल तो आई, चल। जाने से घर में कितना सुकून है। दिनेश, फिर तू मेरे घर पे ले आए क्यों? बताता हूँ। दिनेश, दोबारा बहू पे हाथ उठाया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। पापा, आप नहीं जानते, इसने और इसकी माँ ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था मुझे। जिस समय ये या इसकी माँ तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही थी, उस समय तेरी अपनी बुद्धि कहाँ थी? भगवान ने सोचने और समझने की ताकत केवल इंसान को दिया, केवल इंसान को। ये बोले कि कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाएगा बेटा, नहीं कूद सकता ना। पापा गलती है। कोई बात नहीं बेटा। और बेटी, तू क्या समझती है? उस दिन तूने मुझे धक्का मारा और मैं डर गया। नहीं, गांव के लोग लाज की वजह से मैंने ये सब बर्दाश्त किया। गांव वाले क्या कहते हैं, रामपाल ने अपने बहू बेटों को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। केवल ये सोचकर मैं तुम दोनों का जुल्म बर्दाश्त करता रहा। और जहां तक बात है बेटा मेरी दो रोटी की, तो बेटी दो रोटी तो मैं कहीं भी लेके खा सकता हूँ। और बेटा दिनेश, जहां तक बात है इस मकान की, तो मुझे इस मकान से कोई लालच नहीं है। और हाँ बेटी, एक बात ध्यान रखो, अंतिम समय में इस संसार से कोई भी अपने साथ कुछ भी लेके ले गया। और बेटी, उस समय तो तूने मुझे धक्का मारा था इस घर से बाहर जाने के लिए, अब मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें खुशी रखे। नहीं पापा जी, बेटा खड़े हो। बेटी, माफी तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक
शर्त है। पापा जी आपका हर आदेश मुझे स्वीकार है। ठीक है बेटा, अब से पहले जो भी घटना इस घर में घटी है सब भूल जाओ, और भूलने के बाद पहले जैसी जिंदगी शुरू करो बेटा, बस मेरी यही इच्छा। हाँ बेटा, मैं खेत पर घूम आया। बेटा काम और भी है, कल खेतों में पानी लगना है। लग जाएगा पापा जी, उसकी चिंता मत करो। तनु, पापा जी आगे चाय लिया। और बेटा एक काम भी करियो, पानी देके खेतों में गेला गेल खाद भी लगा दियो। ला बेटा, जीते रहो बेटा, खुश रहो, भगवान सुखी रखे। माँ ये क्या हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी का राजीनामा हो गया लिखा है। मुझे बेटी ऐसी लग रहा, ये तो गलत हुआ। पर कोई बात ना, बैठ के बात करेंगे जब पता पड़ेगी सारी असलियत का। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते मौसा जी। जीजा जी नमस्ते। बैठो जी। दामाद जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो, तुमने तो मेरे घर में आग लगवाई दी थी। मैंने तुम्हारे घर में कौन सी आग लगा दी, मैंने तो तुम्हारे फायदे की बात सोची थी। मम्मी तुमने भी अपने बाप को कभी धक्का मारा था? जो सलाह तुम मुझे देके गई थी कि अपने बाप को धक्का मार के घर से निकाल दे। मम्मी जी बस आपसे एक ही निवेदन है, जो शिक्षा आपने मुझे दी थी ना, मेरी छोटी बहन शिवानी को मत देना। मम्मी आखिर दीदी की बात ना बिल्कुल सही है, आपने जैसी शिक्षा दीदी को दी थी ना, वो घर बिगाड़ती है। और दीदी की जिंदगी इसी घर से है, ना कि आपके पास से। बेटा जो गलती होनी थी वो तो हो गई, पर मैंने तो तेरी दीदी का फायदा ही सोचा था, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मम्मी आप इसी वक्त मौसा जी से माफ़ी मांगो, गलती आपने की थी। भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। बहन जी गलती इंसानों से ही होती है, आप परेशान मत होना। बेटा पापा अपनी मम्मी को चाय लेके आ बना के। ठीक है भाई साहब। नहीं मैं बेटी घर का कुछ नहीं खाती पीती। भाई साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, और आज के बाद मैं कभी भी किसी की बहन बेटी को कभी ऐसी शिक्षा नहीं दूंगी, आपने मेरी आंख खोल दी। बहन जी आपके प्रति मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। चलो शिवानी। मम्मी जी शिवानी को यहाँ छोड़ दो, कुछ देर अपनी बहन के साथ रह लेगी, बाद में मैं छोड़ूंगा। हाँ मम्मी मेरा भी दिल कर रहा है जीजा जी के पास रहने का। ठीक अच्छा भाई साहब नमस्ते, मैं चलती। नमस्ते जी। बेटा शिवानी को चाय नाश्ता करा दे। ठीक है पापा। जा बेटी जा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे घर को दोबारा खुशहाल बना दिया, बड़ी मेहनत।